बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक अम्लों की बनाने की विधियां पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को किन किन विधियों के द्वारा बनाया जाता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुणों का अध्ययन भी किया था। उसी के पश्चात उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें कौन कौन सी होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसी में फॉर्मिक एसिड HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, या इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल, HCOOH मेथेनोइक अम्ल। इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और 423 केल्विन टेम्परेचर पर तो मेथेन प्राप्त होता है, जल और आयोडीन प्राप्त होता है। अर्थात फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो COOH, उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो उस सभी में एल्केन प्राप्त होता है। जैसे कि यहां फॉर्मिक एसिड से मेथेन प्राप्त हो रहा, उसी तरह से देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH की हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 423 केल्विन पर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो एथेन प्राप्त होता है, जल आयोडीन। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, किसी भी एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे तो एल्केन्स प्राप्त होंगे सभी। और ये एल्केन ये डिपेंड करता है, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो मेथेन प्राप्त होगा, अगर दो कार्बन है तो एथेन प्राप्त होगा, अगर तीन कार्बन है जैसे प्रोपेनोइक एसिड होगा तो प्रोपेन प्राप्त होगा, चार कार्बन होंगे तो ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने ही कार्बन होंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो फॉर्मिक एसिड से जैसे मेथेन, तो एस्टिक एसिड से एथेन प्राप्त हो गया, इसी प्रकार से प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसी के पश्चात ये देखिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो ये टॉल्विन प्राप्त होता था, C6H5CH3 टॉल्विन, जल और आयोडीन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अब अगला पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण, इसमें सोडियम एसिटेट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं। सोडा लाइम, सोडा क्या है, NaOH सोडा है और लाइम मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की ये जैसे फॉर्मिक एसिड लेते हैं सोडियम फॉर्मेट लेते हैं, जैसे कि यहां से Na लगा है तो ये सोडियम एसिटेट है, इसके पहले जैसे सोडियम फॉर्मेट ले लेंगे उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, लेकिन इसमें सोडियम एसिटेट लिया है, इसी के बाद यहाँ एल्किल ग्रुप बदलते जाएंगे, जैसे कि यहाँ CH3 लगाए तो मेथेन प्राप्त होगा, यहाँ C2H5 लगा दें तो एथेन प्राप्त हो जाएगा, C3H7 लगा दें तो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी मेथड से सोडा लाइम की रिएक्शन कराते जाए यहाँ पर एल्किल ग्रुप बदलता जाएगा, एल्किल ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्केन्स प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से सोडा लाइम,
सोडियम एसिटेट की सोडा लाइम से कराते हैं, सोडा क्या होता है NaOH और लाइम क्या होता है NCAO, सोडा लाइम इनकी प्रेजेंस में कराते हैं तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। और इसी मेथड से सेम एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन सभी एल्केन्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, सोडा लाइम तो वही रहेगा, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है उसमें यहाँ पर एल्केन या एल्किल ग्रुप है ये बदलता जाएगा। तो इसी मेथड से हम और इसमें इस रिएक्शन को विकार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनेट बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम विकार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे CH3 से ये हाइड्रोजन बन जाता है तो CH4 बन जाता है और बाकी ये सब पूरा एक साथ मिल जाता है, जैसे कि Na2 हो गया और COO और एक ये यू, तो Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा जो एल्केन प्राप्त होते हैं ये एल्केन प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी में एल्केन्स प्राप्त किए जाते हैं तो इसी मेथड से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे मेथड से भी एल्केन्स प्राप्त होते हैं इस मेथड से, लेकिन मेथेन प्राप्त नहीं होता है कोल्बे मेथड से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कोल्बे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा मेथेन प्राप्त नहीं होता है। इसके आगे जितने भी एल्केन्स हैं एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ये सारे एल्केन्स प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर सोडियम एसीटेट के विद्युत अपघटन कराते, ठीक है ना, या जल के साथ विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो एनोड पर एथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है एनोड पर, और कैथोड पर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर एथेन प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक कॉमन प्रोसेस है कोल्बे मेथड, जिससे कि एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हुंस डीकर रिएक्शन, ये हुंस डीकर रिएक्शन या हुंस डीकर अभिक्रिया इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। हुंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है, ये सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, ऊपर देखो सोडियम सॉल्ट लिए थे, ये सिल्वर सॉल्ट, ये सिल्वर एसीटेट CH3COOAG क्या है, सिल्वर एसीटेट, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमो मेथेन प्राप्त होता है, ब्रोमो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर COO ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ब्रोमीन दो है, एक ब्रोमीन का परमाणु AG से मिल जाता है तो AgBr बन जाता है, दूसरा ब्रोमीन का परमाणु एटम CH3 से मिल जाता है तो ब्रोमो मेथेन बन जाता है या मेथिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इसका क्या होगा, मेथिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम होगा ब्रोमो मेथेन। तो इस प्रकार से सिल्वर एसीटेट की ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ब्रोमो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, अर्थात हुंस डीकर रिएक्शन से हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। हुंस डीकर रिएक्शन से क्या प्राप्त होते हैं, हैलो एल्केन्स, तो जैसे CH3Br क्या हैलो एल्केन्स है या एल्किल हैलाइड भी इसे कॉमन कहते हैं, IUPAC में कहेंगे तो हैलो एल्केन्स कहेंगे, तो हैलो एल्केन्स इससे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से स्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन में जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाता है मेथिल एमीन बनता है या इसका IUPAC नाम होगा मेथेनामीन, CH3NH2 क्या होता है मेथेनामीन या
कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे, कॉमन नेम इसका मेथिल एमीन कहेंगे या मेथेनामीन। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हुस डीकर रिएक्शन के द्वारा एमीन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एस्टिक एसिड के ये रिएक्शन या एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्रेजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर CH3NH2 मेथिलएमीन या मेथेनामीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल को ये एसिटिक एसिड के रिएक्शन मैग्नेस ऑक्साइड MnO मैग्नेस ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एसीटोन प्राप्त हो जाता है, CH3CO CH3 एसीटोन। या इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोपेन लगता है, कीटोन लगा है तो ओन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, टू प्रोपेनोन आईपीसी नाम। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन या इसे शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा हाइड्रोजन होता है उनका जब हैलोजनीकरण कराते हैं तो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोरीन के द्वारा सभी प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे कि CH3COOH में ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तीन है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है फास्फोरस की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो इस प्रकार से ये इसे हम HVZ रिएक्शन या हेल वोल्हार्ड जेलेनिस्की रिएक्शन कहते हैं या HVZ रिएक्शन। तो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो ये रिएक्शन नहीं देते। जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये रिएक्शन हो जाती है एसिटिक एसिड में क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें देखेंगे यहां पर CH3 कार्बन हाइड्रोजन है तो यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, एक क्लोरीन जोड़ देंगे और बन जाएगा COOH। फिर इसके बाद और एक इसमें क्या बन जाएगा, एक H हटेगा और एक Cl जुड़ गया तो यहां पर एक HCl बन जाएगा HCl। फिर इसके बाद इसी में आगे क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाएगी आगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, ये CH2 एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और COOH और एक HCl इसमें बन जाएगा, एक HCl बन जाएगा और ये फास्फोरस। और इसके पश्चात इसकी फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराते तो क्या बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ये भी हट जाएगा तो CCl3COOH प्लस HCl बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये HVZ रिएक्शन या हेल वोल्ड हार्ड जेल निस्की रिएक्शंस में या HVZ रिएक्शन में क्या बनता है, इसमें ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड बन जाता है। ट्राइक्लोरो तीन क्लोरीन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है, ओइक एसिड, तो दो कार्बन है तो ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड इसमें बनता है। तो इस प्रकार से इसमें ये ध्यान रखेंगे कि HVZ रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। नंबर दो इसका कंपोनेंट है HVZ रिएक्शन का
कि ये रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जैसे कि फॉर्मिक एसिड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजोइक एसिड उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एच वी जेड रिएक्शन नहीं होते। तो इसमें भी फॉर्मिक, अब ये इसमें एसिटिक एसिड में तीन अल्फा हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रतिस्थापित होते जाते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक क्लोरीन हो तो मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड बन गया, दो क्लोरीन है डाई क्लोरो एथेनोइक एसिड बन गया, और फिर सभी हाइड्रोजन पे तो ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड बन गया। तो इस प्रकार से ये एच वी जेड रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं या हैलोजनीकरण की क्रिया भी कहते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की, और नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।